दोस्ती में इस तरह की गद्दारी काबिले बर्दाश्त करी है उसने, गद्दारी करी है। मीर बिलाज जोनसा था ना, बहुत अच्छा आदमी था, भले करता था, हर किसी की सुनता था। ये हम उसके अड्डे के सामने रेडी लगाते थे, आज तक उसने उधर से नहीं कोई बात की हमारे साथ भी, क्यों रेडी लगाते हो या हाँ या ना, कोई बात नहीं। इतना अच्छा शायद ऐसे आज तक नहीं देखा होगा जितना वो आदमी अच्छा था। बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी, शादी पे फंक्शन पे कहीं दावत हो ये दोनों इकट्ठे आते जाते थे। ये फिर दोस्ती ना हुई है तो दुश्मनी हुई, दुश्मन था जो पूजन दो पूजन है, फिर दोस्त पहले पूज गए। अंदरले खाने से उसे मारा गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान तैयबा वानपुर, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन इस टाइम मैं शालमी चौक में मौजूद हूँ जहाँ अमीर बिलाज का डेरा है। यहाँ पे शालमी चौक में अमीर बिलाज और एहसन शाह दोनों हमेशा शालमी चौक में नज़र आया करते थे। यहाँ की आवाम से हम बात करेंगे, एहसन शाह और अमीर बिलाज की दोस्ती कैसी थी, अमीर बिलाज को क्यों एहसन शाह ने कत्ल करवाया, क्यों उसमें मुलविस हुआ। और अभी नई खबर जो सामने आई वो ये है कि अली और वलीद भी इस हादसे में मुलविस हैं। आवाम से बात करेंगे और आवाम से जानेंगे कि आखिर दोस्ती दोस्त का दुश्मन कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा आदमी था, गरीब परेशान आदमी है, ये भले करता था, हर किसी की सुनता था। ये जो इसका बाप था टीपू पहलवान, वो भी मल्लेदारों के लिए अच्छा था, गरीब परस्त था, हर आदमी की सुनता था, हर आदमी से गले मिलता था। वो आज तक उनकी के बाप बेटों की बुराई कोई नहीं देखी। बच्चू पहलवान नमाज पढ़ता है 5 टाइम की, आज तक वो किसी से लड़ा ही नहीं। भाई पहलवान वो भी बहुत अच्छा आदमी है, वो भी नहीं किसी से लड़ा आज तक। बिलाज को जो है ना एहसन शाह ने हवस 5 करोड़ की तहत जो है ना 5 करोड़ के लिए उन्होंने अपने करीबी दोस्त अमीर बिलाज को कत्ल करवाया। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि दोस्ती में इस तरह की गद्दारी काबिले बर्दाश्त करी है उसने, गद्दारी करी है। मीर बिलाज जोनसा था ना, बहुत अच्छा आदमी था, वो आज तक किसी से लड़ा नहीं। उनने जब से सुलह कर ली थी ना कोकी भर से टीवीर से, वो किसी से नहीं लड़ा, वो आज़ाद हो गया था। उन्होंने कहा मेरी दुश्मनी ख़त्म हो गई, अंदरले खाने से उसे मारा गया है। ये फिर दोस्ती तो ना हुई है तो दुश्मनी हुई, दुश्मन नाल तो फिर बेहतर है जरा दोस्त सही निकले, दुश्मन तो जो पूजन उदो पूजन है, फिर दोस्त पहले पूज गए। अमीर बिलाज कैसा आदमी था यहाँ पर? अच्छा, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा, इतना अच्छा शायद ऐसे आज तक नहीं देखा होगा जितना वो आदमी अच्छा था। उनके वालिद का नाम सुना है, देखा नहीं है, भले इस आदमी को देखा है मैंने, तकरीबन 15 से 18 साल हो गए इधर साल लगाता हूँ, सामने लंडे की रेड़ी है तो एक बार देखा है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी था। तरफ से आपको कोई परेशानी या आवाम को कोई परेशानी? वो टूर गया, हमने टूर जाना है, ठीक है, आज तक कोई परेशानी नहीं आई। हालांकि हम उसके अड्डे के सामने रेडी लगाते थे सर्दियों में, आज तक उसने उधर से नहीं कोई बात की हमारे साथ भी, क्यों रेडी लगाते हो या हाँ या ना, कोई बात नहीं। अच्छा इंसान सी तो फिर ही ना, अगर बुरा इंसान होता तो टुरे जाते हैं, जिंदगी को मानो जाते वो भी टीचर कर जाते हैं, अच्छे इंसान की इंसानियत नहीं है। नहीं मैडम, इसमें तो आजकल तो दोस्ती करनी भी नहीं चाहिए, जिस तरह हालात हैं, दोस्त दोस्त का दोस्त नहीं रहा, वो ज़माना ही नहीं है दोस्ती वाला। अब तो इंसान अकेला ही है, जहाँ भी है वो अकेला ही है, बस अल्लाह के वारिस है, अल्लाह ही वारिस है उसका दुनिया में। और ये दोस्ती वगैरह सब ये आजकल तो रिस्क है एक बहुत बड़ा। अमीर बिलाज के बारे में जानते हैं, वो कैसे आदमी थे? अच्छे थे, उनकी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी होंगी इंसान की, अल्लाह ताला उनके मामलात को देख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे, हम तो अल्लाह ताला जानते हैं उनके मामलात को, हम तो ये देते हैं भाई इंसान था, इधर रहता था, अमीर था, अल्लाह ने उसको नवाजा हुआ था, बस इतना जानते हैं। यहाँ हम बात करें अमीर बिलाज और एहसन शाह की दोस्ती के बारे में, इनकी दोस्ती कैसी? बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी, शादी पे फंक्शन पे कहीं दावत हो ये दोनों इकट्ठे आते जाते थे। लेकिन एहसन शाह ने क्यों कर दिया ऐसा ये कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन आगे जितने मुँह उतनी बातें हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। अभी जो है अभी जो CIA लगी हुई है पीछे, जो करते करदार है लड़के, तो वो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। उसको नहीं मैं जानता, ये तो बहुत अच्छा बच्चा था अमीर बिलाज। हाँ जी,